मल्टीज और मिल्क शेक्स कभी आपने पिया? तो चलो बनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो आपने मल्टीजर्स लेने हैं जो कि आपको मिल्क शेक के लिए चाहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मल्टीजर्स हम लोगों ने ले लिए हैं। इस मल्टीजर मिल्क शेक के लिए आपको जस्ट मल्टीजर ही चाहिए होंगे और कोई चॉकलेट्स नहीं चाहिए। उसके बाद आपके पास कोई भी वनीला आइसक्रीम है, चॉकलेट आइसक्रीम है, अब वो ले लीजिए। और उसके बाद हमें यमी यमी सा मिल्क चाहिए होगा, फुल फैट क्रीम वाला मिल्क चाहिए होगा। उसके बाद आपको कोका पाउडर भी चाहिए होगा और साथ में हम लोगों ने चॉकलेट सिरप भी यूज़ करना है। तो सबसे पहले चलें जी जग में डालते हैं 3-4 स्कूप भर भर के यमी यमी सी आइसक्रीम। उसके बाद चंद एक मल्टीजर, कुछ 10-12 आप मल्टीजर डाल सकते हैं क्योंकि हम इतने चटखोरे हैं, मजे मजे के खाने खाते हैं तो बाद में मिल्क शेक पीने का भी दिल जाता है। उसके बाद आपको मिल्क डालना है, मिल्क आपको एक गिलास डालना है। तो उसके बाद आपने उसके बाद आप ले लीजिए कोई सा भी चॉकलेट पाउडर। चॉकलेट पाउडर के बिना ये मिल्क शेक नहीं बनेगा, तो मैंने कहा चटखोरों के लिए मिल्क शेक बनाना जरूरी है। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने ये जो है सॉस है, चॉकलेट सॉस, वो डाल लीजिए। थोड़ी सी आइस भी डाल लीजिए क्योंकि हमारे यहाँ पे भी कोल्ड है तो मैंने आइस नहीं डाली। तो आपने डेफिनेटली आइस डाली और उसके बाद करना है शेक एंड शेक, फिर बहुत मजे का स्मूदी सा आपको एक मिल्क शेक मिल जाएगा। तो चलते हैं हम सर्व करते हैं। ये लीजिए मजे का मल्टीजर मिल्क शेक, डेफिनेटली ट्राई कीजिए। ऊपर थोड़े से मैंने मल्टीजर्स लगा दिए, साथ में चॉकलेट थोड़ा सा क्रश कर दिया और साथ में मेरे पास एक पुडिंग थी, मैंने वो भी रख दी। आपने डेफिनेटली ट्राई करना है क्योंकि इतने चटखोरे खाने हम खाते हैं चटखोरों। ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।